गुड मॉर्निंग गाइस, दोस्तों संडे है एंड आई एम श्योर आप में से मोस्ट लोग फ्री होंगे क्योंकि भाई छुट्टी वगैरह होती है। लेकिन संडे के दिन मेरा काम डबल हो जाता है क्योंकि भाई संडे स्पेशल वीडियो जो बनानी होती है जिसमें मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं। हालांकि वो वीडियो काफी स्पेशल होती है, मोस्ट लोगों को पसंद भी आती है। लेकिन उससे पहले आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि यार आप लोगों को चाहिए क्या, अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस, वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो डॉग ब्रीड के बारे में, जिसमें से एक है डोबरमैन जो कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड है और ये थोड़े अग्रेसिव भी होते हैं, और सेकंड है लैब्राडोर जो कि वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड है। तो अगर आप लोग इन दोनों में से किसी को भी परचेज करना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि अगर आप लोग कम प्राइस में डॉग्स परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस पहले बात करते हैं डोबरमैन पपीज के बारे में, जो कि चॉकलेट कलर के काफी अच्छी क्वालिटी के पपीज है। लेकिन इन पपीज में सिर्फ फीमेल्स ही अवेलेबल है, वैसे ओनर के पास मेल पपीज भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना होगा क्योंकि वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों के दोनों फीमेल्स हैं। तो फीमेल काफी एक्टिव है, काफी अच्छी क्वालिटी में और उन्होंने प्राइस भी बिल्कुल कम रखा है। आप लोग इंडियन स्पिट्स के प्राइस में इस फीमेल को परचेज कर पाओगे। तो गाइस डोबरमैन को परचेज करना चाहते हो तो इस ब्रीड को आप लोगों के टाइम की जरूरत होती है क्योंकि भाई इन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन करना काफी जरूरी होता है। तो अगर आप लोग इन फीमेल्स को परचेज करना चाहते हो तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फीमेल्स जो हैं ये ढाई मंथ्स की हो चुकी हैं। बाकी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा रखी है या फिर नहीं, एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 6,000 पीस यानी सिर्फ 6,000 रुपए। बाकी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि प्राइस फिक्स है या फिर नेगोशिएबल, बट फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्राइस कम कराने की। तो गाइस ये है हमारी सेकंड डॉग ब्रीड जो है लैब्राडोर, जो कि नॉर्मल पेट क्वालिटी में है और उन्होंने प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग रखा है। तो ये जो लैब्राडोर है ये मेल पपीज है। तो गाइस अगर आप लोग को लैब्राडोर परचेज करने थे और आप लोगों का बजट इतना ज्यादा नहीं बन पा रहा था तो ये पपीज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग है, तो साथ में आप लोग इनकी मदर की क्वालिटी भी देख ही रहे हैं, मदर भी काफी अच्छी क्वालिटी की है। और अगर आप लोग चाहो तो इन पपीज को लाइव वीडियो कॉल पर भी देख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके भी मदर के पास से पपीज उठा सकते हो। बाकी इन पपीज के फादर की फोटो वीडियोस वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो तो आप लोग को डॉग ओनर से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके लेनी होगी। तो गाइस अगर आप लोग लैब्राडोर को परचेज कर रहे हो तो गार्डिंग वाले इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें क्योंकि अच्छे गार्ड डॉग्स नहीं होते, बट हाँ अगर आप लोग फैमिलीज के लिए इस डॉग ब्रीड को परचेज कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो गाइस ये जो लैब्राडोर पपी है ये 30 डेज का हो चुका है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। बाकी डिलीवरी को लेकर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, बट मैं तो यही कहूंगा कि डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इन्हें परचेज करें तो ज्यादा बेटर है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो लैब्राडोर है ये एक मेल पपी है एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 7,000 पीस यानी सिर्फ 7,000 रुपए, एंड प्राइस नेगोशिएबल है तो बार्गेनिंग करके प्राइस और कम कराने की कोशिश कर सकते हो। बाकी आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।